तो दोस्तों, स्पाइडरमैन सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सन 2007 की स्पाइडरमैन 3 मूवी के बारे में। टोबी मैगवायर की ये तीसरी स्पाइडरमैन मूवी बहुत ही बड़ी और काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई सारे विलन्स हैं, इसकी स्टोरी काफी कंफ्यूजिंग है और इसमें बहुत सारा ड्रामा है। इसी वजह से कई लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाए, पर ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मुझे बहुत पसंद है। आज मैं स्पाइडरमैन 3 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस फिल्म की स्टोरी स्पाइडरमैन 2 के एक साल बाद की है। पीटर पार्कर अब अपनी जिंदगी को बैलेंस करना सीख गया था। वो स्पाइडरमैन का काम तो अच्छे से कर ही रहा था, इसके साथ ही उसकी पढ़ाई और नौकरी भी ठीक चल रही थी। वो मैरी जेन के साथ भी काफी खुश था और वो जल्द ही उससे शादी की बात करने वाला था। फिर एक दिन जब पीटर और मैरी एक पार्क में जाते हैं, तभी वहाँ आसमान से एक छोटा सा मीटियोराइड आकर गिरता है और उसमें से बाहर निकलता है एक सिम्बियोट, एक ऐसा एलियन जो कि खुद जिंदा रहने के लिए दूसरे जिंदा जीव के साथ जुड़ जाता है। वो सिम्बियोट पीटर की गाड़ी पर चिपक जाता है और वो उसके साथ उसके घर तक पहुंच जाता है। फिर वो वहीं पर रुक जाता है और वो पीटर से जुड़ने की कोशिश में लगा रहता है। दूसरी तरफ हैरी ऑसबॉर्न को ये पता चल गया था कि उसका दोस्त पीटर ही स्पाइडरमैन है, इसीलिए वो पीटर से बहुत नाराज था। हालांकि पीटर ने उसे कई बार ये समझाने की कोशिश की थी कि उसके पिता की मौत कैसे हुई, पर हैरी ने कभी उसकी बात नहीं सुनी और उसने पीटर से बदला लेने का फैसला कर लिया। हैरी को अब अपने पिता का ग्रीन गोब्लिन का सारा सामान और इंसानी ताकत बढ़ाने वाला वो फॉर्मूला मिल गया था, जिसके बाद उसने कई महीनों तक उस पर काफी रिसर्च की और आखिर में उसने वो फॉर्मूला खुद पर इस्तेमाल कर लिया। इससे हैरी की शारीरिक क्षमता बहुत बढ़ गई और वो बन गया नया गोब्लिन। फिर वो एक नए सूट और ग्लाइडर का इस्तेमाल करके पीटर पे हमला कर देता है। पीटर उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी उसे जान से मारने पर तुला हुआ था। फिर उन दोनों की काफी खतरनाक लड़ाई होती है, पर आखिर में पीटर उसे हरा देता है। लेकिन इससे हैरी के सर पे बहुत गहरी चोट लग जाती है और वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है, और ये देखकर पीटर बहुत घबरा जाता है। इसीलिए वो हैरी को हॉस्पिटल ले जाता है। फिर काफी लंबे इलाज के बाद हैरी ठीक होता है, पर उसकी याददाश्त थोड़ी धुंधली हो जाती है। वो पिछले एक दो साल की सारी बातें भूल जाता है। उसे अभी ये याद नहीं रहता कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी और पीटर की असलियत क्या है। इसीलिए वो फिर से पीटर का अच्छा दोस्त बन जाता है, और क्योंकि अब हैरी की बॉडी में वो केमिकल मौजूद था, इसीलिए उसके सारे घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं और वो पूरी तरह ठीक होने लगता है। दूसरी तरफ फ्लिंट मार्को नाम का एक आदमी पुलिस से छुपता फिर रहा था। फ्लिंट एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो कि सिर्फ इसीलिए चोरी करता था क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार थी और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। फ्लिंट के ऊपर एक मर्डर केस भी था, इसीलिए पुलिस उसे ढूंढ रही थी। एक दिन ऐसे ही पुलिस से बचते हुए वो एक इंडस्ट्री में घुस जाता है। उस वक्त उस इंडस्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट चालू था और वहाँ के साइंटिस्ट एक पार्टिकल एक्सेलरेटर को टेस्ट कर रहे थे। उस पार्टिकल एक्सेलरेटर में सैंड यानी रेत का इस्तेमाल किया जाने वाला था, पर वो एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही फ्लिंट मार्को उस मशीन में गिर जाता है। फिर जैसे ही वो मशीन चालू होती है तो वहाँ पर एक रेतीला तूफान बनता है, जिसकी वजह से वो रेत फ्लिंट की बॉडी में घुस जाती है और वो उसके डीएनए के साथ जुड़ जाती है। फिर उसकी बॉडी पूरी तरह से रेत में तब्दील हो जाती है, पर इससे वो मरता नहीं बल्कि वो बन जाता है सैंडमैन, और उसके पास रेत को काबू करने की शक्ति आ जाती है। फ्लिंट जो कि पहले से ही अपने बेटी के इलाज के लिए पैसों की तलाश में था, अब उसके पास एक नई ताकत आ गई थी, इसीलिए वो इस ताकत से चोरी करने का सोचता है। फिर वो बैंक की एक पैसों से भरी गाड़ी पर हमला कर देता है और वो वहां चोरी करना शुरू करता है। उस टाइम पर स्पाइडरमैन भी उसी एरिया में था, इसीलिए वो फ्लिंट के पास पहुंच जाता है और वो उसे चोरी करने से रोकता है, और तब उन दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है जिसमें सैंडमैन स्पाइडरमैन को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन फिर भी वो चोरी करने में नाकाम हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद पीटर और उसकी आंटी को पुलिस से ये पता चलता है कि अंकल बेन को उस आदमी ने नहीं मारा था जिसने उनकी कार चुराई थी, बल्कि उन्हें असल में फ्लिंट मार्को ने मारा है। ये जानकर पीटर को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि उसकी वजह से एक बेगुनाह आदमी की जान चली गई, और अब उसे ये पता चल गया था कि अंकल बेन का असली कातिल वही रेतीला आदमी है जिससे वो कुछ दिनों पहले टकराया था। इसीलिए उसे फ्लिंट मार्को से नफरत हो जाती है और वो उसे बदला लेने की कसम खा लेता है। फिर पीटर अपने घर में अपना स्पाइडरमैन सूट पहनकर फ्लिंट मार्को के बाहर आने का इंतजार करता रहता है, और वो बदले और पछतावे वाली बात सोचते हुए सो जाता है। लेकिन तभी वो सिम्बियोट जो कि कई दिनों से पीटर के घर में रह रहा था, अब उसे जुड़ने का सही मौका मिल चुका था, इसीलिए वो पीटर की बॉडी के ऊपर चिपक जाता है। और क्योंकि उस वक्त पीटर ने
अपना स्पाइडरमैन सूट पहना हुआ था, इसीलिए वो सिम्बियोट उसके सूट के जैसा ही शेप ले लेता है और वो एक जीता जागता ब्लैक स्पाइडरमैन सूट बन जाता है, जो कि पीटर को नींद में ही उसके घर से उठाकर एक बिल्डिंग पर लेकर चला जाता है। फिर जब पीटर को होश आता है तो वो ये सूट देखकर हैरान रह जाता है। इस सिम्बियोट ने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। पीटर को ये समझ में आ गया था कि वो सूट एक जिंदा जीव से बना है जो कि उस पर हावी हो सकता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है। तभी उसे ये खबर मिलती है कि सैंडमैन कहीं पर चोरी कर रहा है। पीटर को ये मालूम था कि फ्लिंट मार्को ही सैंडमैन है और वो बहुत ताकतवर भी है, इसीलिए वो उससे बदला लेने के लिए उस ब्लैक सूट को पहनता है ताकि इस बार वो उसे हरा सके। उधर फ्लिंट एक बैंक में चोरी करके पैसे लेकर भागता रहता है। तभी स्पाइडरमैन उसका पीछा करके उसे घेर लेता है और इस बार वो अपने सिम्बियोट सूट की वजह से उस पे भारी पड़ता है। फिर उसे पता चलता है कि सैंडमैन की कमजोरी पानी है, इसीलिए वो उस पे बहुत सारे पानी से हमला करता है, जिससे सैंडमैन कीचड़ बनकर बह जाता है। इससे पीटर को लगता है कि वो मर गया, पर वो मरा नहीं था, बस उसका रूप बदल गया था। इसके बाद पीटर को ये महसूस होता है कि वो सूट उसे ताकतवर के साथ साथ थोड़ा बुरा भी बना रहा है, इसीलिए वो उसे उतार के रख देता है। इस सब के बीच पीटर मैरी जेन से थोड़ा दूर हो गया था। वो अपने स्पाइडरमैन के काम और फ्लिंट मार्को से बदला लेने के चक्कर में मैरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए वो भी पीटर से थोड़ा दूर हो जाती है और वो हैरी के करीब आने लगती है। और तभी अचानक एक दिन मैरी से मिलने के बाद हैरी की याददाश्त वापस आ जाती है। उसे ये याद आ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, इसीलिए वो फिर से उससे बदला लेने पर तुल जाता है। पर इस बार वो उस पे सीधे वार करने की बजाय पहले मैरी से उसका ब्रेकअप करवाता है और फिर वो पीटर से झूठ बोलता है कि मैरी उसे पसंद करती है, और वो पीटर से ऐसे पेश आता है जैसे उसने मैरी को उससे छीन लिया। इसीलिए पीटर को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो फिर से उस ब्लैक सूट को पहन लेता है और वो हैरी के घर उससे लड़ने जाता है। वहाँ हैरी उसे मारने के लिए तैयार ही बैठा था। जब पीटर वहाँ आता है तो वो उसे उकसाकर उससे लड़ना शुरू करता है। हालांकि अब हैरी भी बहुत ताकतवर था, लेकिन पीटर के पास अब वो सिम्बियोट सूट था, इसीलिए हैरी उससे हार जाता है और आखिर में पीटर उसी के बॉम्ब से उस पर हमला कर देता है। इससे हैरी बच तो जाता है, पर उसका आधा चेहरा जल जाता है। इसके बाद से पीटर उस ब्लैक सूट को हमेशा पहने रखता है। इससे उसकी शक्तियों के साथ साथ उसके काम की स्पीड भी काफी बढ़ जाती है। वो अच्छे पैसे कमाने लग जाता है और काफी फेमस भी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो बुरा बनता जाता है। उसका घमंड और गुस्सा काफी बढ़ जाता है और इसी के चलते वो कई लोगों से दुश्मनी ले लेता है। वो अपने ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के एडी ब्रॉक को बेइज्जत करके नौकरी से निकलवा देता है और वो एडी की गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमना शुरू कर देता है, इसीलिए एडी उससे नफरत करने लग जाता है। फिर एक दिन पीटर गुस्से में मैरी के ऊपर हाथ उठा देता है और तब उसे ये एहसास होता है कि उस सूट ने उसे कितना बुरा बना दिया है, इसीलिए वो उसे उतारने का सोचता है। फिर वो एक चर्च की छत पर जाता है और वहाँ वो उस सूट को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो सिम्बियोट बहुत शक्तिशाली बन गया था और उसे पीटर से जुड़े रहने की आदत पड़ गई थी, इसीलिए वो उसकी बॉडी को छोड़ नहीं रहा था। उस टाइम पर उस चर्च में एडी ब्रॉक भी मौजूद था। वो वहाँ पीटर को उस सूट में देख लेता है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि वो स्पाइडरमैन है। उधर वो सिम्बियोट पीटर से अलग ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब पीटर उस चर्च की बेल से टकराता है और वहाँ उस बेल का शोर होता है, तब वो सूट उससे अलग होने लगता है, क्योंकि वो सिम्बियोट की कमजोरी थी तेज आवाज, इसीलिए वो उस बेल की आवाज से कमजोर हो जाता है और वो पीटर की बॉडी से निकल जाता है। लेकिन वो सिम्बियोट उस छत से नीचे गिर के सीधे एडी ब्रॉक के ऊपर आ जाता है और वो उसकी बॉडी से जुड़ जाता है। और क्योंकि वो सिम्बियोट बहुत लंबे समय से पीटर से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसमें स्पाइडरमैन की सभी पावर्स आ गई थी और अब वो पावर्स एडी को मिल जाती है और वो बन जाता है वेनम। दूसरी तरफ सैंडमैन पानी से बाहर निकलकर फिर से ठीक हो जाता है और अब वो सब काम छोड़कर सबसे पहले स्पाइडरमैन को मारना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि स्पाइडरमैन उसे बेवजह परेशान कर रहा है, जिससे वो अपनी बेटी का इलाज नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो स्पाइडरमैन की तलाश में निकल जाता है। इसके अलावा अब एडी ब्रॉक यानी वेनम भी स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे पीटर से बदला लेना था। तभी अचानक एडी को फ्लिंट मार्को के बारे में पता चलता है कि वो अब सैंडमैन बन चुका है और वो भी स्पाइडरमैन को मारना चाहता है, इसीलिए वो फ्लिंट से मिलके उससे हाथ मिला लेता है ताकि वो दोनों मिलकर स्पाइडरमैन को मार सके। फिर एडी मैरी को किडनैप कर लेता है और वो सैंडमैन के साथ मिलकर खुलेआम स्पाइडरमैन को चुनौती देता है। ये देखने के बाद पीटर अपना पुराना सूट पहनता है और वो हैरी से मदद मांगने उसके घर जाता है, क्योंकि वो अकेला उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता था।
लेकिन हैरी उससे बहुत नाराज था, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं करता। पर पीटर के जाने के बाद हैरी का सर्वेंट उसे ये बताता है कि उसके पिता की मौत उन्हीं के ग्लाइडर से हुई थी, मतलब इसमें स्पाइडरमैन की कोई गलती नहीं है। इसीलिए हैरी पीटर की मदद करने का सोचता है। उधर जब स्पाइडरमैन मैरी के पास पहुंचता है तो वेनम उस पे हमला कर देता है, और तब पीटर को पता चलता है कि वो असल में एडी ब्रॉक है जो कि बदले के लिए ये सब कर रहा है। वो उससे लड़ना शुरू करता है, पर अब एडी उस सिम्बियोट की वजह से बहुत ताकतवर बन गया था, इसीलिए वो पीटर को अच्छी टक्कर देता है। इसके अलावा सैंडमैन भी वहां आकर पीटर पे हमला करता है। फिर वेनम और सैंडमैन दोनों मिलकर स्पाइडरमैन को बहुत मारते हैं, इससे वो काफी कमजोर हो जाता है। लेकिन तभी हैरी अपना गॉब्लिन सूट पहनकर वहां पर आ जाता है और वो अपने हथियारों से सैंडमैन और वेनम पे हमला करता है। इससे पीटर बच जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उन दोनों से लड़ते हैं और वो मैरी को बचा लेते हैं। लेकिन फिर एडी पीटर को पकड़ लेता है और वो उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर हैरी आ जाता है और वो पीटर को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी दौरान पीटर को उस सिम्बियोट की कमजोरी याद आती है, इसीलिए वो कुछ मेटल पाइप्स का इस्तेमाल करके वहां जोरदार आवाज करता है जिससे वो सिम्बियोट कमजोर पड़ने लगता है। फिर पीटर बहुत सारे मेटल पाइप्स से वेनम पे सोनिक अटैक करता है और वो उसे उन पाइप्स के बीच में फंसा देता है। फिर वो एडी को उस सिम्बियोट से अलग कर देता है और वो हैरी के ग्लाइडर से एक बॉम्ब निकालकर उस सिम्बियोट पर हमला करता है। पर एडी उस सिम्बियोट को बचाने की कोशिश करता है और वो उस बॉम्ब ब्लास्ट में सिम्बियोट के साथ जलकर मारा जाता है। उधर हैरी उस जानलेवा चोट को ज्यादा सह नहीं पाता और वो मर जाता है। इस सब के बीच सैंडमैन यानी फ्लिंट को पीटर की असलियत पता चल गई थी और उसे ये समझ आ गया था कि पीटर उसे अपने अंकल की मौत का बदला ले रहा था। ये जानने के बाद वो पीटर को बताता है कि उसने उसके अंकल को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि उसने गलती से उन पर गोली चला दी थी और इस बात का उसे बहुत पछतावा है। वो पीटर को अपनी बेटी की बीमारी के बारे में भी बताता है और ये सब सुनने के बाद पीटर उसे माफ कर देता है और अब फ्लिंट की नाराजगी भी खत्म हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। फिर हैरी का फ्यूनरल होता है, जिसके बाद पीटर और मैरी एक दूसरे की सारी गलतियां भुलाकर फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.